आप सभी विद्यार्थियों का कृष्णा ग्वाल एजुकेशनल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हिंदी से संबंधित वीडियो आते रहते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक को, जो कि सूर सागर ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कुछ पद की व्याख्या आज करने जा रहे हैं, जिसको आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझेंगे और इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो चलिए चलते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरि वे धावत। इसमें श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन सूरदास जी किए हैं। श्री कृष्ण के बाल लीला का बड़ा ही अच्छा चित्रण, बड़ा ही सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किए हैं। तो देखिए, किलकत कान गुटुरुवनी आवत, इसमें कृष्ण श्री कृष्ण जी छोटे हैं, बच्चे हैं, तो घुटनों के बल पर चलते हुए किलकारी मारकर हंसते हुए आ रहे हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, घुटनों के बल पर किलकारी मारते हुए हंसते हुए आ रहे हैं श्री कृष्ण। मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकर बे धावत। मड़ी से युक्त सोने के आंगन में बिंब पकड़ बे धावत, बिंब का मतलब परछाई, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, अपनी परछाई को पकड़ना चाह रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत, मतलब मड़ियों से युक्त स्वर्ण के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, मतलब अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कबहु नि रखे हरि आप छाह को, कर सौ पकरन चाहत। कबहु नि रखे हरि आप छाह को, अपनी परछाही को देख करके और उसको पकड़ना चाहते हैं। जब परछाही उनको दिखाई देती है तो उस परछाई को भगवान कृष्ण पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किलक हंसत राजत द्वेदतिया, किलकारी मारकर जब हंसते हैं तो उनके मुंह में दो दांत दिखाई देते हैं। पुनपुनते अवगाहत, दो दांत बार बार दिखाई देते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इकराजत। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। सोने के आंगन में ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो प्रत्येक मणि में, हर एक मणि में कमल का आसन बिछा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी ने प्रत्येक मणि में कमल का आसन बिछा दिया हो श्री कृष्ण को बैठने के लिए। बाल दशा
सुख निरक्ष जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। इस बाल दशा को देख करके जसोदा माँ, इस सुंदर बाल दशा को जब यशोदा माँ देखती हैं तो बार बार नंद बाबा को बुलाते हैं, नंद को बुला रहे हैं बार बार इस सुंदरता को देखने के लिए। अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती। और कुछ देर के बाद आंचल से ढक कर अपने बच्चे को कृष्ण, भगवान कृष्ण को जसोदा माँ दूध पिलाने लगती हैं। आंचल से ढक करके कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं जसोदा माँ। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये समझ में आया होगा, हमें विश्वास है। अगर समझ में आया हो और भी वीडियो इस तरह के देखने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।